जोहार नुआखाई एक्सप्रेस संगे मुई अनुराधा खबर मिलकरमा मुख्य खबर नु। दुई नाबालिका बहन के दुष्कर्म अभियोग मामला अभियुक्त दुष्कर्मकारी दोषी सब्यस्त कला बलांगीर फास्ट ट्रैक कोर्ट। दोषी युवक के 40 बछर जेल संगे 1 लाख टंका जरिमाना। मंडी फुलबार के हफ्ते खेला हेले नहीं उठला धान। संबलपुर और नुआपड़ा चाषींकर अभियोग चलीचे कटनी छटनी मिलबा नहीं बस्ता। जिला जोगान अधिकारी कथा पाइन रोगार। स्कूल भितरे और बाहरे पूरा चकचक हेले नहीं न शिक्षक। कलाहांडी जिलार 29टा स्मार्ट स्कूल ने खाली पड़ीचे मास्टर पोस्ट। केंता हेबा पाठपढ़ा चिंता ने अभिभावक। अभियुक्तंकर सुरक्षा ने पुलिस। न्याय लगी 4 बछर संघर्ष। दिव्यांग को आक्रमण घटना ने नहीं हेबार एक्शन। खुलम खुला बुलुचन अपराधी। बलांगीर जिला बड़भाल गांव दिव्यांग शिक्षक किशोर साहू को न्याय केबे। विजिलेंस जाले थाना बाबू। बलांगीर बंगमुंडा पुलिस थाना अधिकारी विनोद बिहारी नायकंकर घरे रेड। बरगड़ नु आउथबार बेल के कार नु मिला 2 लाख नु एतका टंका। घरु 3 लाख 80 हजार टंका जबत। सामुद्रिक झड़ जवाहत के लेकिना एमडी डीजिंकर सूचना। 3 तारीख संध्या नहले रात ने हेबा वर्षा। 4 नु राइज ने वर्षा हेबार संभावना। 5 बेल के कम्बा। चाषी को अमल करिकिना सुरक्षित रखबा के परामर्श। आयमा पूरा खबर के। मंडी खुलबार हफ्ते खेई गला किंतु संबलपुर उपखंड चाउरपुर मंडी नु गुटे भी बस्ता धान उठी नहीं पाला। मिलर निजर मनमानी चलैथिबार बिलके चाषी कटनी छटनीर अभियोग आनीचे। सियाड़े डीएलपीसी बैठक ने जिला प्रशासन चाषी को देथिबार कटनी छटनी बंद प्रतिश्रुति पाइनर गार बोलिकिना चाषी माने कहिचन। सियाड़े नुआपड़ा चाषी मानकर अभियोग कि तांकु कटनी छटनी संगे बस्ता एबे तक जुगै दिया नै हला। मंडी खुलबार के हफ्ते खेला हेले नहीं उठला धान। फेल मारला जिला जोगान अधिकारी कटनी छटनी बंद प्रतिश्रुति। मंडी ने चाषी समस्या बदले मिलर कर समस्या अटका देखबा के मिलुचे। मिलर निजर मनमानी थी कटनी छटनी करवा लगी जिद धरीचे। संबलपुर जिला ने गला 24 तारीख नु खरीफ ऋतु धान संग्रह लगी मंडी खुलला ने। पहला दिने बहुते चाषी को टोकन नहीं आसीथिबा लगी अव्यवस्था सामना के आईथिला आर धान नहीं उठी पारी। एबे मंडी खुलबार 7 दिन हेलानो ले चाउरपुर मंडी नु गुटे बस्ता भी धान नहीं उठी पाला। मिलर बस्ता पिछा 2 रु 3 किलो धान कटनी छटनी करवानी किना जिद धरुचे। जेनटा के चाषी ना पसंद करी किना धान बिकवा लगी राजी न हेबा। सियाड़े जिला जोगान अधिकारी डीएलपीसी बैठक ने कटनी छटनी बंद हबार प्रतिश्रुति फेल मारिचे बोली चाषी माने अभियोग करिछन। 30 तारिख हमर मार्केट खुला हला। खुला सत्वे आरएमसी स्टाफ थिले हमर तापरे सोसाइटी स्टाफ थिले इमे थाई कि सब जहा डिस्कस हला। तापरे सिमने मिलर मा को डाकले। मिलर माने भाई माने मिलर माने आसले आ तापरे सेनो डिस्कस हला जे हमें एनालिसिस से धान लेकिन बोल जे जेन मशीन माने भी अछि से मशीन मान को भी हमें अप्रूव ना करू बोलछन। एटा केन प्रकार नियम है। तापन से माने माने से सब जिंस माने जुगाड़ मागले बोली गवर्नमेंट से सब जिंस भाग होला। आ 2 केजी क्विंटल गुटे क्विंटल रे 2 केजी के 3 केजी धान काटमो बोले सेटा धान के एफक्यू हेसी बोली कहूछन। जिल्लार चारपाली गोशाला गुंडेरपुर मंडी ने मिलर कटनी छटनी करुतबार अभियोग हेइछे। सियाड़े मंडी मानकर ने कटनी छटनी नै किना केनसी खबर नै आबार। कटनी छटनी हेले मिलर मानकर उपरे कार्यानुष्ठान निया जिबा बोली संबलपुर जिला जोगान अधिकारी कहिछन। सुनंत धान किणुची पैक्स धान किणा होची। पैक्स धान किणवार नियम अछि से एफएक्यू धान किणिबे। एफएक्यू धान किणी सारला पर से मिल को देबे। से मिल को देबे मिल को से तांकर लिफ्टिंग करबे। एटा होची तांको दायित्व। एटी कटनी छटनी रो कथा जो माने दायित्व रो अछंती पैक्स रे सेटे आरएमसी सेक्रेटरी से एफएक्यू स्टैंडर्ड रो धान से किणिबो। एफएक्यू स्टैंडर्ड धान अछि कि नाही से देखिबो। तांको दायित्व दिया है से तांको देखि के से धान किणा जाय। नुआपड़ा ने भील समान अवस्था। गला 29 तारीख नुआपड़ा जिला ने मंडी खुली। मंडी खुला उतरू भिनभिन मंडी ने एबे तक धान पड़ी रही अभियोग होइछे। तार संगे मिलर्स एबे तक केंसी चाषी को बस्ता जुगे देनी थिबार बोली चाषी माने अभियोग करिछन। सेतिर लागि नुआपड़ा जिल्लार भोटे चाषी आज जिलापाल को देखा करिथिले। 29 तारिख दिन मंडी आरंभ होइछे। मंडी आरंभ होला पर चाषी माने जते बेले मंडी रे धान नेगिरी गला परे पूरी फेर मिलर्स माने गणिबे और धान कटौती आरंभ धान कटौती लगी से मैंने फिर पुणे नुआपड़ा जिला के नाटक करवार आरंभ कर दी थी। से आज आम समस्त नुआपड़ा ब्लॉक रो समस्त चाषी आज कलेक्टर को भेटी आईलु। भाई आम जानवा के चाहूँ कि राज्य सरकार बा आमर जिला प्रशासन मिलर्स मन के धान नेबा लगी व्यवस्था कराऊ कि गणी बैग नेबा लगी व्यवस्था कर समस्त मंडी सुविधा असुविधा को। और सर्वप्रथम है आमर अखाबस्ता जोटा जिला प्रशासन प्रस्ताव करथिले। प्रथमे मिलर अखाबस्ता 50 भाग दिहब एवं आरएमसी 50 भाग देव, किंतु आज 29 तारीख नु आज है 1 तारीख पर्यंत कौन मिलर भी अखाबस्ता दे ना कि आरएमसी अखाबस्ता दे ना। किंतु 3 दिन निजर बस्तार चाषी धान रखाई ए पर्यंत कौन इटा धान उठाबार कौन व्यवस्था है नहीं। जिलापाल आमको एश्योरेंस देछन जे शीघ्र 2-3 दिन भितर समस्या दूर हो और सुरखुरे चलो। तार संगे संगे आम टोकन व्यवस्था भी किसी अव्यवस्था अच्छे त्रुटि अच्छे जे बड़ बड़ चाषी पर टोकन नहीं आसबार छोटिया चाषीर भी टोकन मार्च पर्यटन दे देचन। तार उपरे भी आम जिलापाल दृष्टि आकर्षण कलु। जिलापाल कहले जे एथरक टोकन जिते दिन पर इश्यू होचे मंडी चालू रहबा एवं आज आम गोटे भरोसा नहीं कर चाषी आम जाऊँ जे आमर चाषीटा किंतु धानटा गोटे बर्षर मेहनत सुरखुरे बिक्री हो। आगर बछर बागीर चाषी इथर भी कटनी छटनी शिकार हैला। इथर भी जिला प्रशासन प्रतिश्रुति परे भी मिलर खरीफ धान संग्रह पहला दिनु निजर मनमानी कला। संबलपुर कैमरा पर्सन रोहित सिंह संगे मलय भई और नुआपड़ा युधिष्ठिर पटेल का रिपोर्ट आर्गस न्यूज। सियाड़े कुचिंडा उपखंड 3टा ब्लॉक ने मूल हिचे धान किना। ई बछर धान किना ने 9टा लैंप और 7टा एसएचजी ग्रुप अछन। उपखंड 52टा मंडी ने धान किना हबा, किंतु मंडी धान किनबा आगुनु देखबा के मिलीचे अव्यवस्था। चाषी मंडी के धान नहीं किना तो आसीचे, हेले धान किनबा के मिलर मानकर देखा नहीं न, जहाँ लगी धान केनता बिकबे से चिंता ने चाषी। आर थर ई सब समस्या लगी कम दाम ने दलाल हाथे बिकी थिला चाषी। ई बछर आरंभ नु ही असुविधा होइतबार बिलके चाषी आयबार दिने केनता धान बिक्री करवा से नेकिना चिंता ने। धान आनीछु ए पर्यंत मिलर एठाकु पहुँची नाहंती, लैंप बाले घेणु नाहंती और 9टा ରୁ 11टा टाइम देइथिले किंतु ए पर्यंत कई पहुँची नाहंती। आसिक आम बसीचु भोक पासरे आम चाहूँ जे आमर धान जल्दी बिक्री हो। आमर गाइडलाइन रे जेन हिसाब रे अछि चाषी माने आनिकरी धान गदैछन आउ तो मिलर एब्सेंट अच्छन। एखेन मिलर निहा आसन प्रेजेन्स निहा आसे तो जेनटा आम टेस्ट रे जना पला 2टा नॉन एफेक्टिव हो जाइए। तारपर से चाषी मैंने खाई के भी पलालेन ई गाड़ी रे अच्छे से अनलोड निहा करन एखेन तक। सुवर्णपुर इष्टदेवी माँ सुरेश्वरी अलंकार चोरी घटना दिनकर पर भी चोर मानकर अथा पता नहीं पाइबार पुलिस। सियाड़े जिला पुलिस 3 जन कर्मचारी को कामू बाहर करा जाइछे। कार्य ने अवहेला करिथिबा लगी सदर टाउन थाना कनेस्टेबल शंकर बानु बेहरा, होमगार्ड अंतर्जामी सेठी और नुपराज सुना के कामू बाहर करा जाइछे। गलाकाली सुवर्णपुर इष्टदेवी माँ सुरेश्वरी मंदिर मुखिया फाटक के भांगिकिना ताला भांगिकिना दुर्बृत्त माने अलंकार चोरी करथिले। देवी मांकर 20 भरी रूपा मुकुट संगे रूपार 2टा बड़ छत्र चोरी करि नेथिबार अभियोग हेतिला। घटना जगने पुलिस और उपजिल्लापाल देवतर अधिकारी सब पहुंचिकिना अटका छानबीन करथिले। सुवर्णपुर जिलार जी क्राइम एटा ने क्राइम हिस्ट्री ने तबे देखबे जे गत 6 मास भितरे विभिन्न सुवर्णपुर जिला सारा विभिन्न क्राइम होचे एवं जेन क्राइम के कंट्रोल करवा लगी पुलिस आज तक सफलता प्राप्ति नहीं कर पारे। किंतु तार विरुद्ध काली गोटे दुखद घटना घटीचे जे जनसाधारण तो जहाँ भोग करुचन किंतु देवादेवी भी बात नहीं पड़वार। सुरेश्वरी इष्टदेवी सुरेश्वरी जे कि सुवर्णपुर इष्टदेवी काली तांकर मंदिर सहित तांकर मुकुट चोरी होचे छत्र चोरी होचे। तार व्यतीत विभिन्न मंदिर गोटे मंदिर नु विभिन्न मंदिर विभिन्न जिनस चोरी होइए किंतु आज पर्यंत पुलिस तार टेर नहीं पाइबार जे केन माने चोरीचन बोलिक। सुरेश्वरी मंदिर रे जो चोरी होइतला से चोरी बाबद रे गुरुतर सहित तदंत करा होची। पुलिस डॉग और साइंटिफिक टीम आसी तदंत कर फेरी सेटारे जो मुतयन थिले राति पेट्रोलिंग सुरेश्वरी मंदिर ही पर्टिकुलरली से जगार ही तीन जन को दिहला पेट्रोलिंग किंतु सेमानंगर ड्यूटी खिलाफ करता जो तीन जन को निलंबन कराई। बलांगीर जिला बड़भाल गाँव किशोर साहू पेशारे जड़े सरकारी प्राथमिक विद्यालय मास्टर किंतु पहला शत्रुता के केन्द्र करा दुर्बृत्त मैंने मरणात्मक आक्रमण करते शेषके से एवं दिव्यांग किशोर पलटि जाइन 4 बछर होगा न्याय लगी इ दुआर से दुआर होचन किंतु न्याय तो दूर कथा आहा टिके भी किए नहीं कहवा देखुनी रिपोर्ट। अभियुक्तंकर सुरक्षा ने पुलिस न्याय लगी 4 बछर संघर्ष दिव्यांगों को आक्रमण घटना ने नहीं हेबार एक्शन आइले पिटले और पलाले मामला पड़ी रही छे थाना ने खुलम खुला बुलुचन अपराधी। बलांगीर जिला बड़भाल गाँव दिव्यांग शिक्षक किशोर साहू को न्याय केवे आग्रह दुश्मनी लगी गाँव सुखदेव साहू 2 पो पिंटू और पिंकू ताकर उपरे मरणांतक आक्रमण करते गुरुतर अवस्थाने किशोर बुल्ला ने चिकित्सा होते जह मार लगी किशोर कानके भील ठीक से सुना नहीं जीवार एंता कि से चाली भील नहीं पारबार इने कि दूसरा थाना ने मामला रुजु होईछे हेले चार्जसीट ने ना थाई किना भी अपराधी को गिरफ्त नहीं कर बार पुलिस न्याय लगी एबे ई द्वार नु से द्वार हेउछन दिव्यांग किशोर सारो कखे व्यक्ति छे दुर्बल थिबारु भालो धनी गोष्ठी मते बहुत अत्याचार करछथि ए प्रकार मते दोष कहछ मो बाबा को हत्या कहछ मो जिसपत सब हड़प नै छ मते चपलाटा ठा आक्रमण कहछ भर का द्वार जीवन चली जैछि वर्तमान अभियुक्त माने पुलिस प्रशासन खाम खाली मन भाव जो बहुत दुर्नीति लिप्त थे बड़े भाला अत्याचार चले पुलिस प्रशासन जब ये मुन व्यवहार करेंगे तेरे साधारण एवं सर कक्षा मैंने क्या निर्भर करेंगे मत जेल मैंने आक्रमण कले पिंकू साहू पिंटू साहू सुखदेव साहू एवं जगह साहू से मैंने कहीं पुलिस गिरफ्त करनी चार्जसीट दे बलांगीर कोर्ट के चुपा लाठा सब जी सियाड़े घटना ने जने पुलिसकर्मी मिसिथिबार लगी कार्यानुष्ठान नहीं हेबार अभियोग करिछन किशोर आईनजीवी और समाज से भी घटना के निंदा करबार बेलके पुलिस रो कार्यशैली उपरे प्रश्न उठैछन यदि चार्जसीट रे एक्यूज मान को ना अछि ताले पुलिस चाहले कोर्ट को वारंट पय एनबीडब्ल्यू पय प्रेयर करि परिबो एवं बेस्ट अपॉन दैट एनबीडब्ल्यू एक्यूज को अरेस्ट करि परिबो तो करबा उचित पुलिस अनेक जगह रे करू नै जोटा कि पुलिस रो तार जो तत्परता प्रति प्रश्नवाची सृष्टि होउची तेणु एटा निंदनीय घटना संपूर्ण रूप रे बलांगीर जिल्ला रे पुलिस प्रशासन फेल मारिची एवं जिल्ला रे विभिन्न प्रकार सबुबले अघटन घटी चलीची जिल्ला रे आईन श्रृंखला परिस्थिति संपूर्ण रूपे भुसुड़ी सारिची यह एक तार ज्वलंत उदाहरण दीर्घ 4 वर्ष बीती जाइतिले सुद्धा आज पर्यंत दोषी मानंकु गिरफ्त करानो जीवा कहा स्वार्थ रे वर्तमान प्रश्नवाची सृष्टि करूची याचिन पर प्रश्न कहार दबाब लागी चुप बसीचे पुलिस काई 2 अभियुक्तों को गिरफ्त करा नहीं जीवार न्याय के अटकी 4 बछर लानो काना दिव्यांग किशन को न्याय देवा लगी इतकी समय काफी नहीं सके। बलांगीर नु वीडियो जर्नलिस्ट सुजीत कर संगे तरुण साहू का रिपोर्ट अर्गस न्यूज। कलाहांडी जिला ने गला 18 तारीख मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ने फास्ट फेज ने 29टा स्मार्ट स्कूल के उद्घाटन करथिले हेले मंदिर चकाचक किंतु भितरे भगवान नहीं न जिलार 29टा स्मार्ट स्कूल भितरे बहुत मास्टर मास्टरन पदवी खाली पड़ी छे केबे पूरण हेबा से नहीं किना अभिभावक माने चिंता प्रकाश करिछन। स्कूल भितरे आर बाहरे पूरा चकचक हेले नाई न मास्टर मास्टरन किंता हेबा पाठपढ़ा गला 18 तारीख मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ने कलाहांडी जिलार 29टा स्मार्ट स्कूल के उद्घाटन करथिले। ई स्मार्ट स्कूल ने रहीचे 2टा स्मार्ट क्लास गोटे लाइब्रेरी साइंस हॉल टॉयलेट और पाइन पीवार सुविधा इटार संगे इंडोर खेलबार व्यवस्था भी रहीचे। सरकारी स्कूल रो सजबाज देखले लोकंकर मने पब्लिक स्कूल रो भावना आउचे हेले स्मार्ट स्कूल ने शिक्षक नाई थिबा लागिर अभिभावक मनकर भितरे चिंतार कारण पलटीचे। कलाहांडी 29 काना समथिंग रखीछन स्मार्ट स्कूल रो अब जुनावड़ा मोचला रखीछन से 29 स्मार्ट स्कूल भितर 147टा मास्टर नहीं ना जो आम शिक्षक पदवी खाली अच्छे 6टा प्रधान शिक्षक पदवी खाली अच्छे आ शुण गोटे स्कूल रे तो अमर रामपुर गोटे स्कूल रे 19 जन शिक्षक खाली अच्छे। सरकार क्या एक्चुअली स्मार्ट स्कूल सतरे बनवा हिसाब से बनाऊ ना कि ठेकेदार पोसा नीति रे स्मार्ट स्कूल बनाऊन सरकार जानबे। आम सरकार के अनुरोध करूँ स्मार्ट स्कूल बनावा संगे ये शिक्षा स्तर के बढ़े प्रत्येक जन शिक्षक भर्ती करेंगे प्रत्येक पिला के एक्चुअली से मन के शिक्षित करमु के नेक्स्ट स्टेप के बढ़ेमु स्कूल रू कॉलेज रू यूनिवर्सिटी पठेमु से दिगरे काम करवाट बोल भाई ठेकेदार पोसा नीति सरकार छाड़न इटा अनुरोध करूछु हम सरकार के। सरकार जो उच्च विद्यालय मानकु स्मार्ट स्कूल घोषणा कले आउ स्कीम रे सेटा जुड़िले आमे ता स्वागत करूछु एवं सरकार के पदक्षेप को आमे साधुवाद जणाउछु आउ आशा करूछु जो स्मार्ट स्कूल रे समस्त भित्तिभूमि सुदृढ़ हेबो एवं समस्त खाली पड़ीथिबा शिक्षक पदवी तथा अन्य पदवी पूर्ण हेबो तेबे जे कर छुवा माने गुणात्मक शिक्षा पाई पारिबे। एवं आज की जो कंपटीशन होची आज दिन रे प्राइवेट स्कूल सहित आम सरकारी विद्यालय छात्र माने प्रतियोगितामूलक भाव में गठनमूलक शिक्षा पाई पारिबे एवं तार भविष्य सुरक्षित हो। कोलाहांडी जिलार 29टा स्मार्ट स्कूल ने 6 जन प्रधान शिक्षक पोस्ट खाली पड़ीथिबार बेलके 147 जन मास्टर मास्टरन पदवी खाली पड़ीछे। से भितरे जुनागढ़ सरकारी उच्च विद्यालय ने 6 जन शिक्षक पदवी महिचला बालाजी उच्च विद्यापीठ ने 5 जन मास्टर पोस्ट खाली पड़ी। सेंता गोलामुंडा ब्लॉक फरंग पंचायत नोडाल उच्च विद्यालय ने भी प्रधान शिक्षक संगे 6टा शिक्षक पदवी खाली अच्छे। गोलामुंडा सरकारी उच्च विद्यालय ने 2 जन शिक्षक पदवी खाली पड़ी। एबे सेकेंड फेज जूनागढ़ ब्लॉक ने 14टा स्मार्ट स्कूल हेबा के थिबार बिलके गोलामुंडा ब्लॉक ने 6टा स्मार्ट स्कूल बना हेबा बोली जना पड़ी। सर स्मार्ट स्कूल हवाटा निश्चित भाव भल कथा किंतु ता सहित स्मार्ट स्कूल रे उपयुक्त एवं ठीक मात्रा रे जदि शिक्षक नियुक्ति हम ताहले बहुत भल हम। किंतु विभिन्न समय सरकार जो नियुक्ति बाहर करछंती सेथिरे माने तार 50% मध्ये नियुक्ति देउ नांती एवं जदि ठीक पर्याप्त परिमाण रे जदि पोस्ट बाहर करिवे ताहले आमे बोले जो उपयुक्त डिग्री धरिके जो बेकार होइछु विभिन्न बेसरकारी विद्यालय में कार्यरत अच्छू आम अति कम से निजुक्ति पाई पारिबु। स्मार्ट स्कूल ठीक कथा किंतु पिला केमती स्मार्ट हेबे आज्ञा स्मार्ट शिक्षक आवश्यकता अच्छे जेते शिक्षक आवश्यक अच्छे से परिमाण रे जदि शिक्षक रहिबे नाही पिला किनाडे स्मार्ट बदलीला स्कूल कोठा हेले नाही गला पिलांकर समस्या दरकार हिसाबे शिक्षक नाही थिबार बेलके केंता हेबा पाठ पढा। कोलाहांडी जिला जुनागढ़ नु कुमार मणि दुर्गांक रिपोर्ट अर्गस न्यूज। बलांगीर जिला बंगमुंडा ब्लॉक गाँ साथी संघाड़ू 4 दफा दाबी नहींकिना मुख्यमंत्री उद्देश्य रे बंगमुंडा बीडीओं को दाबीपत्र दि जाइए। दाबी भितर 2008 मसीहानु एबे तक न्याय आशायी गाँ साथी मानकू प्रोत्साहन राशि 8000 टंकानु एतका दि जाऊ। आर्थरे गाँ साथी पदवाच्य करा जाऊ। गाँ साथी मानकू 20000 टंका कोविड सहायता राशि दि जाऊ। श्रमिक मानके दिनकिया मजूरी गुटे सप्ताह ने दि जाऊ बोलिकिना दाबी करिछन। आयबार दिने जदि समस्यार समाधान नहीं हेले से रास्ता के उल्लाबे कहबार संगे पंचायत निर्वाचन रे जवाब देवे बोली किना चेतावनी देइछन। आज को 2008 मसीहा रे हमकु सरकार सर्वोच्च शिक्षा सर्वाधिक नंबर आधार रे मुतयन करी हमकु 2500 दरमा देवा बोली नवीन सरकार प्रत्येक कागज मीडिया तापर इलेक्ट्रोनिक मीडिया टीवी जरिया रे प्रकाश करते किंतु आज को 14 वर्ष है आमर कौन दुख शुणु ना कि आमर स्थायी निजुक्ति अनेक दाबी कले सुधा कौन इच्छा प्रकाश करूना कि किसी सुव्यवस्था स्थायी निजुक्ति करने कौन चेष्टा करूना जेते दाबीपत्र दि जाऊँगी से ही समय से कहते जे कराजिवो किंतु कराजिवो केबे कराजिवो समस्ते मरी सारे कौन आमर जीवन चली गला परे करिवे सरकार। एणु आमे वर्तमान आमर वीडियो जरिया रे आमर बंगमुंडा ब्लॉक रु मुख्यमंत्री को दाबीपत्र देवा उद्देश्य रे एठी उपस्थित अछु। आज को 2008 मसीहा रे हमकु सरकार सर्वोच्च शिक्षा सर्वाधिक नंबर बीजेपी मिश्रण पर्व होचे जेनथिरे उपस्थित होचन केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आसन आम आपन को नहीं जीमु। भारत की राजनीति में और विशेष रूप से यदि मैं उत्तर भारत की राजनीति की चर्चा करूं और उत्तर भारत की राजनीति में सिख चेहरों की यदि बात करूं तो जो दृश्य आपके सामने उभरेगा उसमें से एक चेहरा अवश्य रूप से आदरणीय सिरसा जी का होगा। 2 बार दिल्ली में राजौरी विधानसभा से विधायक रहे और जिन्होंने वर्षों तक लगभग पिछले पूरे 1 दशक तक दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के साथ में प्रमुख दायित्वों के साथ में काम किया और लगभग पिछले 3 साल से दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष के नाते भी काम कर रहे हैं। जैसा आदरणीय बलूनी जी ने कहा, श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जिस रीति नीति के साथ में काम कर रही है और जैसा उसका परिणाम विश्व भर में देखने को मिला है, देश भर में जो परिणाम देखने को मिला है, भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में जो परिवार भाव से काम करने वाली पार्टी है, निरंतर नए नए चेहरों के आने से न केवल हमारी शक्ति बढ़ती है, ताकत बढ़ती है, अपितु भारतीय जनता पार्टी का धरातल पर व्याप भी और अधिक जो है वो सुगठित होता है। मैं आदरणीय सिरसा जी को इनका स्वागत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के परिवार में जिम्मेदारी के साथ में ये बात कह सकता हूं कि आगामी पंजाब के चुनाव में निश्चित रूप से सिरसा जी के भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में आने से एक बहुत बड़ा लाभ भी होगा, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। मैं आदरणीय सिरसा जी का हृदयपूर्वक स्वागत करते हुए भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उस कुनबे में स्वागत करता हूं, करते हुए अपने आप को आनंदित महसूस करता हूं। बहुत सारा धन्यवाद भूषण शेखावत जी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के शिक्षा मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी से मेरा आग्रह है कि इस अवसर पर अपना उद्बोधन करें। मित्रों, आज हमारी पार्टी के लिए एक शुभ दिन है। भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय सिरसा जी का ज्वाइन करना पार्टी की संगठन को, पार्टी की जनाधार को मजबूती देगा। ऐसे ही सिरसा जी हमारे साथ थे ही, लंबे समय से हम लोग काम करते आए हैं और मैं आज व्यक्तिगत रूप में सिरसा जी की एक हमारी पार्टी में ज्वाइनिंग करने का तो एक आनंद है ही। विधानसभा गृहर मध्य भाग में बीजेपी सदस्यों हट्टगोल और नाराबाजी, हाथ में फ्लैग कार्ड और बनियार धरी प्रतिवाद, प्रबल हट्टगोल भितर गृह में उपस्थापन है अतिरिक्त बजेट, जोटा एक बड़ खबर आसी पहुंची कि विधानसभा गृहर मध्य भाग में बीजेपी सदस्यों हट्टगोल और नाराबाजी, हाथ में फ्लैग कार्ड और बैनर धरी जोरदार प्रतिवाद, प्रबल हट्टगोल भीतर गृह में उपस्थापन है अतिरिक्त बजेट। अर्थमंत्री निरंजन पूजारी उपस्थापन कर अतिरिक्त बजेट आसंता काली 10:30 पर्यंत गृह को मुलतवी घोषणा कर बाचस्पति। यार कौनसी अर्थ ना आम ये घटनार प्रतिवाद करुचु। ये घटन सत्यासत्यता किए ओडिशा पुलिस ही प्रमाणित कर एवं ओडिशा पुलिस जो साक्षी बाकी तथ्य गुड़ाक ओडिशा पुलिस कार्य उपरे आमर संदेह होची, कारण से गृह विभाग मंत्री रही एवं आज पर्यंत चलती सरकार ताको सुरक्षा देवारे लगी, तो से जे पर्यंत दायित्व मुक्ति करा न जाऊँगी से पर्यंत तदंत निरपेक्ष हम बोली आम आशा करूना। आज्ञा ओडिशा सरकार कौन कहती कौन करती तांकर किसी संपर्क नहीं एवं ये बजेट्र माने किसी नहीं। आपड़ देखु जो पंचायत इलेक्शन एवं तांको गोटे ड्रामा करार आवश्यकता अच्छी एवं से माने एते अर्थ देलु बोली कहले, किंतु केंद्र सरकार तो गोटे गोटे पंचायत को आपण जो अर्थ दौर से अर्थ खर्च हो पारना, प्रबल पैसा पंचायत पर आसूची, डायरेक्ट पंचायत को आसूची, तेणु ये अर्थ दवा कौन दवा मु भावुचे एमाने केवल पंचायत इलेक्शन गोटे ड्रामा छड़ा कि नुहे। नुआखाई एक्सप्रेस के नरक में रोचे जुहार।